जनता दल सेक्युलर के बीजेपी के साथ अलायंस के बाद पार्टी में जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। सीएम इब्राहिम साबिक वजीर अला कुमारस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सीएम इब्राहिम के साथ जेडीएस के सीनियर मुस्लिम लीडरान, जिनमें जफरुल्ला खान, बीएम फारूक, मोहित अल्ताफ जैसे लीडरान शामिल नहीं है, यानी इन लीडरान का समर्थन सीएम इब्राहिम को नहीं है। जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम आज सीएमए ग्रैंड हॉल में मीटिंग बुलाई थी। रियासत भर से सीएम इब्राहिम के सपोर्टर्स इस मीटिंग में शरीक हुए। सीएम इब्राहिम ने कहा कि पार्टी का रियासती सदर होने के नाते वो एनडीए में शामिल होना नहीं चाहते, वो एनडीए के खिलाफ हैं और कुमारस्वामी के इस एनडीए अलायंस यानी बीजेपी के अलायंस के फैसले के खिलाफ हैं। सीएम इब्राहिम का प्लान है कि वो कुमारस्वामी के बीजेपी अलायंस करने पर एचडी कुमारस्वामी और निखिल कुमारस्वामी दोनों को अपने अहदे का पावर इस्तेमाल करते हुए सस्पेंड करें। इसी वजह से उन्होंने एक प्लान किया है कि वो एक कोर कमेटी तश्कील देंगे जो रिपोर्ट बनाकर साबिक वजीर आजम और जेडीएस के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा को पेश करेंगे और एचडी देवेगौड़ा के इस फैसले के बाद यानी उस रिपोर्ट के पेश करने के बाद जो एचडी देवेगौड़ा फैसला लेंगे उसके बाद अगला कदम सीएम इब्राहिम का होगा। सीएम इब्राहिम ने साफ किया है कि वो एनडीए के साथ नहीं हैं और इंडिया के साथ यानी इंडिया अलायंस जो कांग्रेस की तरफ से अलायंस की गई थी उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एनडीए को 2024 के इलेक्शन में हराना ही उनका मकसद है। आज की मीटिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे, हालांकि 150 से 200 लोग नज़र आ रहे थे। इस पर सीएम इब्राहिम ने कहा कि आज की मीटिंग में ताकत का मुजाहरा नहीं था और आम लोगों को नहीं बुलाया गया था, हर ज़िले से चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था और ये खसूसी मीटिंग है। स्टेज पर सीएम इब्राहिम के साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं था, हालांकि मुस्लिम लीडरान के नाम पर इस्तीफ़ा दे चुके शफीउल्ला, इमरान पाशा और कुछ डिफिडेट कैंडिडेट मौजूद थे। साथ ही महिमा पटेल, जेएच पटेल के फर्जंद इस मीटिंग में शामिल हुए। साथ ही साबिक एमएलए मनोहर तहसीलदार भी मौजूद रहे। सीएम इब्राहिम का कहना है कि वो इंतज़ार करेंगे और साथ ही इस कोर कमेटी के फैसले का और कोर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश करने के बाद ही अगला कदम होगा। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। ऐसा लग रहा है कि जेडीएस खुद जेडीएस से लड़ रही है। आइए जानते हैं सीएम इब्राहिम क्या कह रहे हैं। बदकिस्मती देवेगौड़ा जी, या उम्र के आखिर वक्त में बच्चों की बात सुन के गलत फैसला उठा रहे हैं। आज की मीटिंग में तय हुआ, उनको जाकर समझाना, समझ गए ठीक है, नहीं समझे हमारा रास्ता हमना, उनका रास्ता उनका। अभी कितने दिन समझाते हैं, समझ नहीं रही, उन्होंने स्टैंड वापस ले लिया। अभी पार्लियामेंट जल्दी गए को बाबा, एक बच्चा जन्ने 9 महीने होना, शादी वैसे दूसरे महीने जैसे करोगे तो कहाँ से करो मैं। सब वो सब देखो जी, सब किसी भी मैं पर्टिकुलरली आओ कर को फोन करें, लेटरा लिखिए, पर्सनल किसी भी नहीं जुड़ते थे। स्ट्रांग ये होता क्या ही को स्ट्रांग, स्ट्रांग है चाहे में ये एक लकड़ी है दूसरी लकड़ी है, जो है फूट नजर आ रहा है, इख्तलाफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जफरुल्ला खान, बीएम फारूक, रोशन, तुम मैं लफ्ज से देखो जी, सब लोगों को यहां मौजूद रहना था जरूरत। देखो भाई, जरूरत ही नहीं, हमें आज का मकसद ही चला गया। आज का मकसद जो है जनता दल मैसेज देना था, वो जनता दल दिए। आप मुखालिफत कर रहे हैं लेकिन उन्होंने साथ दे रहे हैं ना, उन्होंने जाओ का ना ठीक है अच्छा है, बीजेपी जेडीएस अलायंस का साथ दे रहे हैं, उन्होंने देना दे ना अच्छा है ना, सबको ब्लॉक चलो जने सो बच्चे सब साथ रहते हैं क्या, लेकिन नेता का सबूत नहीं मिल रहा ना सर। हां बोल को नाम सबूत नहीं मिल रहा, कौन सा जो सबूत होना तुम ना, 1,45,00,000 इतना 1,45,00,000 यहाँ लाख ये कहीं कर बोलने होता। जम्हूरियत के अंदर रे ये 5 उंगलियाँ हैं, ये 21 लेवल की है, हाथ ताकत नहीं, 5 उंगलियाँ भी 21 लेवल की नहीं ना साहब, कैसा ताकत आती, मुदड़ो ताकत आती है। तो आज एक मैसेज है ना जिसे देना था दिए। ऐसा लग रहा है पूरे मामले में आप अलग थलग पड़ गए, कौन है आप? अब एहतियात में देख तुम्हारी टीवी में क्या दिखाई, ताकत मेरी ताकत नहीं है, ये कौम की ताकत है, मेरी ताकत में कभी भी नहीं, मैं कभी मई पना मेरे में है नहीं। तो कुमार खान की तरफ स्टैंड लेने वाले नहीं साहब, क्या नेक्स्ट नहीं ले आते, उसका रास्ते पर जाता क्या करने होता है। आज लोग उम्मीद रख लगते हैं सीएम इब्राहिम साहब एक बड़ा ऐलान करेंगे या तो पार्टी रिजाइन करेंगे या दूसरी पार्टी का रिजाइन करो, मेरा घर मेरा, तुम्हें कहीं कुछ जाओ कर रही मंझे, मैं इस प्रेसिडेंट है पार्टी का, मेरी पार्टी है, अरे आराम की उम्मीद मेरी इस पार्टी का बोल रहा हूँ ना, और मैं तुम्हें उल्टा पूछ रही
तुम ना उम्मीद नहीं है। अरे मेरी पार्टी में प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट में। कौन सा वक्त आया नहीं जी अभी भी, अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुए तो क्या अबॉर्शन करने जाओ? वेट करो, अब जाकर आप समझाएंगे। कुमार स्वामी नहीं, देवेगौड़ा, कुमार स्वामी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। देवेगौड़ा को मैं बोलता हूँ जाके, साहब ये फैसला हुआ, तुम्हें जो है ये फैसले को वापस लो। नहीं लेते का तो ठीक है साहब, तुम्हारी दुआ रहने मेरे साथ, मैं भी तुम्हारा बेटा रह सरका। हम जो है तुमने साथ दी, रामनगर में तुम्हें जब खड़े थे, खेड़े में फतरे मारे थे, तुम्हें अभी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। सुनने में आ रहा है कि तुमने कभी सवाल पूछते इस टाइम पर माजी को देख लो, उसके बाद सवाल करो। और तुम्हें सवाल ऐसा करे, लंगड़ो मियाँ, लल्लू मियाँ, फालू मियाँ, फलतू मियाँ, उन्हें नहीं आया, इन्हें नहीं आया। अरे पैदा करने वाला जी मैं, जनवाने वाला मैं, जनने वाला न। सर सुनने में आ रहा है कि कई सारे पार्टियां आपको अप्रोच कर रही हैं, आपको बुला रहे हैं, दावत दे रही हैं, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। अच्छा देखो जी, कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे मुझे वो नहीं, मुझे विखार बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और ये कौम को जो हक मिलना। 4 साल की MLC छोड़ कर हमें कौन जी करता है दम किसे में? 4 साल महीने को 10 लाख रुपए की आमदनी, कार सब छोड़ कर ना किए खबर अच्छी करने वास्ते। इसके दूसरा को बोल रहा हूँ खबर अच्छी कर ले बाबा, स्टेटमेंट अच्छे न हो खबर अच्छे हो। ये बात भी सुनने में आ रही है कि DK सुकुमार साहब ने आपसे साथ बात की है, कुछ वहाँ पर आने का एक मंसूबा बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कौन भी बात करे नहीं, मैं कोर कमेटी बनाता हूँ, जो कोर कमेटी वाले जाको बात उन्होंने करते। सिद्धरामैया साहब को आप यहाँ इन्वाइट करे तो वो नहीं आए? कौन बोले करे थे घर का बताया जा रहा है ऐसा? कौन बताए, तुम्हें बोल रहे बता अच्छा मुझे क्या दीवाना कुत्ता काटा था वो भाई, तुम्हें बोलना होता।